बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और जी आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक बड़ी ही यूनिक जगह पर और मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा अपने जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर। तो इस टाइम जो है वो मैं अनारकली बाज़ार से गुजर रही हूँ, जहाँ पर मशहूर जो फलूदा वाली दुकानें हैं लाहौर में, वहाँ से गुजर रहे हैं हम। क्योंकि हम बाहर से नहीं गए थे, हम अंदर से जो अनारकली की साइड से रास्ता था वहाँ पर गए थे, क्योंकि मैं जा रही हूँ भाटी गेट। और आज वैसे भी संडे था और आज जैसे आपको पता है सैटरडे संडे प्रॉपर लॉकडाउन होता है, तो उस वजह से जो है बाज़ार में बिल्कुल भी रश नहीं था। इसलिए फिर हमने कहा कि हम अंदर से जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़रा सेफ़ और शॉर्टकट है। और दूसरे नंबर पर अंदरून की साइड पर जब भी जाएँ तो कोशिश करें कि आप जो है वो बाइक वगैरह पर जाएँ, कार वगैरह ना ले कर जाएँ, क्योंकि वो जगह आपको पता है कि तंग गलियाँ होती हैं या जगह रास्ता ऐसा होता है तो रश में इंसान जो है वो फंस जाता है। तो हम लोग भी जी बाइक पे जा रहे हैं और वैसे भी ज़्यादातर जो है मेरे पास हमारे पास बाइक ही है और हम अपनी बाइक पर ही जाते हैं, तो बाइक पे बल्कि ज़्यादा मज़ा आता है कहीं जाने का। और जी ये है अनारकली बाज़ार, जहाँ पर बानो बाज़ार वगैरह की साइट है और देख सकते हैं आपके प्रॉपर लॉकडाउन है, बिल्कुल बंद है सब कुछ, तो बिल्कुल सन्नाटा है, तो यहाँ से जो है गुजरा भी नहीं जाता। और जी जिन्होंने अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स या मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें, क्योंकि ये मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं, और इसलिए उससे ये होता है कि मैं आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियो जो है वो लेके आऊँगी। और जी हम यहाँ पर भाटी गेट जो है वो एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं कहती हूँ माशाल्लाह से इनकी एंट्रेंस में ही आपको इतना खूबसूरत मंज़र लगता है। और जो अंदरून शहर है वहाँ पे वैसे भी आपको पता है जब एंटर हो तो एक अजीब सी अपनाइत और सुकून सा आता है, और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी देख कर खुशी होती है। और आप ये देख सकते हैं कि अंदरून की जो स्पेशलिटी है कि जी सब एक दूसरे के साथ साथ, और शाम के टाइम जो है वो गर्म गर्म समोसे निकल रहे हैं। और जी यहाँ पर हम दरा ना पूछ रहे थे रास्ता कि कहाँ पर है शॉप ताकि हम डायरेक्ट उस पॉइंट पर जा सकें। वैसे तो जो मेरे इन लॉज हैं वो सब इधर जो है उनके अंदरून के शहर के हैं, पता तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर उनका ननिहाल था और बचपन जो है यहीं पे इन गलियों में ही गुजरा है उनका, तो इसलिए फिर उनको पता तो था, लेकिन यह था कि एक दफ़ा जो हम शॉप का हमें एग्जैक्ट पता लग जाए कि वो किस जगह पर है। और ये शुरू में ही एंटर होते साथ ही थोड़ा सा है। और जी मैं आई हूँ यहाँ पर अल्लाह वाले दूध सोडा पे, जो रेड कलर की बोतल डाल के सोडे की देते हैं, दूध कढ़ाई का दूध ठंडा करते हैं उसी टाइम और उसमें सोडा बोतल डाल के देते हैं। और ये जी छोटी सी दुकान है, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त बख्शे बख्शता है, अल्लाह पाक जिसको भी चाहे उनको इज़्ज़त बख्शते हैं। और ये अंकल माशाल्लाह से इतने स्वीट थे, इतने अच्छे थे कि हम वीडियो बना रहे थे और ये आगे हल्की की स्माइल कर रहे थे। और जी यहाँ पर जी कढ़ाई से दूध लेकर अंकल ने उसको मिक्स किया और ये दूसरा जो भाई था इसको दे दिया, और अब ये यहाँ पर जी इसको ये बर्फ़ वाले पानी के अंदर ठंडा कर रहा है इस तरह से घुमा घुमा के। तो मुझे था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं अच्छा टेस्ट होगा या क्या, लेकिन वाकई टेस्ट मज़े का था, लेकिन गिलास बहुत बड़ा था और कोई इतना महंगा भी नहीं था, 80 रुपये का गिलास था 80 का, तो जो आप आराम से अफोर्डेबल था और आप पी सकते हैं। और कढ़ाई के दूध में आपको पता वैसे ही बहुत ताकत होती है, और मैंने अपनी अम्मी वगैरह से सुना हुआ था कि वो कहते थे कि जब हम छोटे होते थे रेड सोडा बोतल होती थी, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी बताते हैं कि जी हम छोटे होते रेड सोडा बोतल दूध में डाल के पीते थे। तो वो मुझे आज जब मैंने देखा तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आप ना 7 अप की बोतल भी है आप वो डलवाना चाहते हैं या, मैं कहा नहीं मैंने रेड सोडा बोतल डलवानी है, मैं भी देखूँ इसका क्या टेस्ट होता है, लेकिन कोई इतना डिफरेंट टेस्ट नहीं था, अच्छा था मज़े का था। और उसके बाद ये अंकल ने जी गिलास को ठंडा किया है और अब इसमें जो है ये अपने स्टाइल से खुद जो है वो इसमें दूध ऐड करेंगे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा और मज़े का था। और हमारे देखते देखते यहाँ पर काफ़ी सारा रश हो गया था, क्योंकि संडे का दिन था। और जी यहाँ पर जी हमें जो है वो रेडी करके अंकल ने दे दिया है दूध सोडा, अल्लाह वाला दूध सोडा। और ये जी मेरे हस्बैंड का गिलास है, और मेरे गिलास पे जो है वो अब्दुल बासी ने फुल कब्ज़ा कर लिया है फातिमा मुँह देख रही है। तो जी यही था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, और मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि यहाँ पर जी छोटी से जगह पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, आप लोग बस ढूंढने की ज़रूरत होती है। और जी ये अंदरून के जो मनाजिर हैं भाटी गेट के अंदर के,
ये वो मुनाजिर हैं। और यहाँ पर मेरी जो खाला सास है उनका भी घर करीब ही था लेकिन हम गए नहीं। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।